चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर की। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत, मनोज सोनकर बने हैं चंडीगढ़ के नए मेयर। 4 वोटों से मनोज कुमार सोनकर को जीत मिली है। बीजेपी को 16 वोट मिले हैं, गठबंधन को 12 वोट मिले हैं। वोटों की गिनती में 8 वोट कैंसिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने यहां पर गठबंधन किया था, परिणाम से नाखुश नजर आए, उसके बाद उन्होंने हंगामा भी किया है। विपक्ष ने चुनाव परिणाम पर सवाल भी उठाए हैं। आम आदमी पार्टी पार्षद का कहना है कि चुनाव नतीजों के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। दरअसल सांसद किरण खेर ने वोट तो डाला ही था, लेकिन 35 पार्षद हैं कुल मिलाकर चंडीगढ़ में, जिसमें से आम आदमी पार्टी के ज्यादा पार्षद हैं। और दूसरी तरफ 7 पार्षद जो थे वो कांग्रेस के थे, इन्होंने आपस में गठबंधन किया था, लेकिन 8 वोट कैंसिल होने की वजह से गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में गठबंधन ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। आम आदमी पार्टी पार्षद की तरफ से कहा गया है कि चुनाव नतीजों के खिलाफ वे हाईकोर्ट जाएंगे। तो बीजेपी की यहां पर जीत हुई है, तो तगड़ा झटका भी इसे कहा जा सकता है गठबंधन को। बीजेपी को यहां पर जीत मिली है, मनोज सोनकर अब चंडीगढ़ के मेयर होंगे। जो चुनाव नतीजों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, आम आदमी पार्टी पार्षद ने कहा है। आपको बता दें कि पहले ये चुनाव 18 जनवरी को होने थे, लेकिन उस वक्त भी हंगामा देखने को मिला था, इसे टाल दिया गया था। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 5 तारीख से पहले चुनाव कराए जाएं, आज की डेट तय थी, और जैसा कि कहा जा रहा था कि 1 बजे के लगभग परिणाम सामने आ जाएंगे। तो 1 बजे ये साफ हो गया कि बीजेपी के मेयर होंगे चंडीगढ़ में। तो मनोज सोनकर जीते हैं, 4 वोट से जीते हैं। आपको बता दें कि 13 पार्षद बीजेपी के हैं चंडीगढ़ में। तो चुनाव नतीजों के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे आम आदमी पार्टी पार्षद, ये कहा जा रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, ऐसे में काफी आश्वस्त नजर आ रही थी गठबंधन की जीत तो होगी ही, लेकिन 8 वोट कैंसिल हुए हैं, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा है और नाराजगी भी इसी बात को लेकर है। विपक्ष ने चुनाव परिणाम पर अब सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। बीजेपी का मेयर होगा और चंडीगढ़ के मेयर होंगे मनोज सोनकर। हम हाईकोर्ट जाएंगे, पीछा हम भी नहीं छोड़ेंगे, कितनी वीडियोग्राफी कर लेंगे, एसएसपी मैडम, पुलिस सारे है, कम से कम हाईकोर्ट तो खत्म नहीं हुआ ना। हम लोग चलो ठीक है यहाँ, अगर फिर भी हमारे नेताओं ने ये बोला था कि पूरे टाइम चुप बैठना, हम चुप बैठे रहे, कोई हमने शरारत नहीं करी, कोई हम बैल में नहीं गए, आप लोगों ने देखा सीट पे बैठे थे। लेकिन जब उसने 3 बार काउंटिंग की, तीनों बार आप पार्टी की जीत दी, फिर वो साइड में ऐसे टिक लगा, 2 बार साइन कौन करता है, जब सरे हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरे हम किरण खैर मैडम इशारे कर रही है। देखो हमें नियम की बात नहीं, हमें चंडीगढ़ जैसे शहर को बचाना है, मेन जो शहर को बचाने के लिए मेयर साहब की कुर्सी पे होता है, तो जब उसी में इतना धोखा कर चुके हैं ये, तो सीनियर डिप्टी मेयर बन के क्या चलने देंगे। तो नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है यहाँ पर, और बीजेपी की जीत हुई है, दो ही दूसरी तरफ पार्षदों का हंगामा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद हैं और 7 पार्षद कांग्रेस के और एक निर्दलीय पार्षद है, इसके अलावा 35 पूरे पार्षद हैं, बाकी बचे पार्षद बीजेपी के हैं। तो ऐसे में तय माना जा रहा था कि गठबंधन की जीत होगी, लेकिन 8 वोट कैंसिल हुए, जिसकी वजह से बीजेपी को यहां पर जीत मिली है। 4 वोट से जीते हैं मनोज सोनकर। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। गुलशन, एक तरह से देखा जाए तो 18 जनवरी को भी हंगामा हुआ था, चुनाव नहीं हो सके थे, आज मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, बीजेपी की जीत हुई है, हंगामा अभी भी जारी है, वहां पर कहीं ना कहीं नाराजगी है विपक्ष में परिणाम को लेकर। राष्ट्रीय इस समय चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर कांग्रेस और आपके जो पार्षद हैं वो धरने पर बैठे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ये चुनाव हुआ है इसमें गड़बड़ी हुई है। हालांकि भाजपा ने अपना मेयर बना दिया है, मनोज सोनकर भाजपा के मेयर बन चुके हैं, 16 वोट जो है भाजपा को मिले हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 12 वोट मिले हैं। इसमें टोटल अगर बात करें तो टोटल 35 वोट हैं, यानी 35 पार्षद हैं चंडीगढ़ नगर निगम में, और एक वोट जो है वो सांसद का भी वोट होता है, जो कि चंडीगढ़ की सांसद भी वहां पर मौजूद है। लेकिन इसमें अब जो भाजपा को वोट मिले हैं वो 16 वोट मिले हैं, और यानी कांग्रेस और आपको वोट जो मिले हैं वो 12 वोट मिले हैं। 4 वोटों से भाजपा का मेयर जीत चुका है, 8 वोट जो है इसमें कैंसिल हुए हैं। अब जो 8 वोट कैंसिल हुए हैं उसी पर ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद ये आरोप लगा रहे हैं कि
इस पूरे वोटिंग के दौरान जो है गड़बड़ी हुई है, ना ही जो एजेंट थे उन एजेंटों को वहां पर बुलाया गया, ना ही एजेंट के सामने जो है वोटिंग कराई गई। इस तमाम तरह की गड़बड़ी का वो आरोप लगा रहे हैं और अब हाईकोर्ट की तरफ रुख करने की भी वो बात कर रहे हैं, क्योंकि राजश्री हमने पिछले दिनों भी जब देखा था, जब चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ था तो उस समय सारे पार्षद वहां पहुंचे थे, लेकिन चुनाव अधिकारी के बीमारी का हवाला देकर टाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट चले गए थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद, और चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से उस दौरान 6 फरवरी की तारीख तय की गई थी कि 6 फरवरी को चुनाव होंगे, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज चुनाव हुए हैं 30 जनवरी, यानी आज का दिन था चुनाव की तारीख का। और अब जब चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, चुनाव की वोटिंग के दौरान सभी पार्षद वहां पहुंचे, तो जब जो नतीजे आए हैं उस नतीजों में खास तौर से आप देख रहे हैं कि किस तरह से नतीजे हैं। 4 वोटों से भाजपा ने अपना मेयर बना दिया है, जबकि INDIA जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि हमारा ही मेयर बनेगा, क्योंकि 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास थे और कांग्रेस के पास 7 पार्षद थे, यानी 20 वोट उनकी टोटल बैठती है, जबकि इस चंडीगढ़ नगर निगम में जो वोटिंग थी वो 36 थी, 35 पार्षद प्लस 1 वोट सांसद का होता है, लेकिन उन 20 वोटों में जो गठबंधन के वोट है उन 20 वोटों में उनके पास केवल 12 वोट आए हैं, यानी 8 वोट उनके कैंसिल कर दिए गए हैं। तो इस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस समय हंगामा जबरदस्त देखा जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल का भी एक ट्वीट जो है साफ तौर से अभी सामने आया है, मैं दर्शकों को ये भी जानकारी दे दूं कि जो ट्वीट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ अभी ट्वीट किया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था राजश्री, तो उस समय तमाम जो पार्षद थे आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के वो लगातार आरोप लगा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट ये किया है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है, यदि एक मेयर के चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि वो साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से इसमें गड़बड़ी हुई है ये तो एक मेयर का चुनाव था, आगे जब देश का चुनाव होना है तो उस दौरान किस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी, एक ट्रेलर के माध्यम से आप देख सकते हैं जिस तरह से आज चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हुआ। लेकिन अब आखिरकार देखना ये होगा कि राजश्री की अब जब हाईकोर्ट की तरफ ये सभी पार्षद रुख करेंगे, यानी पार्टियां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब रुख करेगी तो आगे क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर ही ये चुनाव हुए थे। अब जब चुनाव हुए तो चुनाव में गड़बड़ी क्या हुई है, क्योंकि वहां पर CCTV कैमरे वहां सभी लगे हुए थे, अब उन सभी को वो पार्षद आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि CCTV में देख सकते हैं कि बैलेट पेपर पर किस तरह से पेन चलाया गया, ये पेन का खेल आपने राज्यसभा चुनाव में भी देखा था। और बातचीत के लिए वोटों की गिनती की गई है, 8 वोट कैंसिल पाए गए हैं, यही कारण है कि बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई है। नाराजगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है, क्योंकि गठबंधन इन्होंने किया था, 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास थे, 7 पार्षद कांग्रेस के पास थे, लेकिन 8 वोट कैंसिल होने की वजह से गठबंधन को ये तगड़ा झटका लगा है और बीजेपी की जीत हुई है। मेयर मनोज सोनकर बने हैं चंडीगढ़ के, अब आम आदमी पार्टी इसे लेकर सवाल उठा रही है, कोर्ट जाने की बात कह रही है, इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी निशाना साधा है।